ये लो, ओढ़ लो। लड़कियों को घूमते वक्त कपड़ों पर ध्यान रखना चाहिए। कमाल है, अरे ऐसे क्यों देख रही हो, थोड़ा हंसो ना। ठीक है अब जाओ यहाँ से, पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया। प्यार का क्या मतलब है? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे पता है। क्या होता है वो? पहले हम दोनों को शादी करनी चाहिए। और फिर? और फिर मुझे तुम्हें हमेशा के लिए जी जी करके बुलाना पड़ेगा। फिर मुझे माता पिता को भुलाकर हमेशा तुम्हारे साथ ही जीना पड़ेगा। और तुम और मैं माता पिता बन जाएंगे। ये ठीक है, एक तरह से अच्छा ही है। भव्या, ए भव्या, पहले हम शादी करेंगे। साथ ऐसे ही रहने का दिल करता है, मगर मास्ती मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? पिताजी और चाचा को हमारे बारे में पता चल गया है। आज तक मेरे घर के अंदर आकर, वो भी मेरे सामने आकर मुझसे इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। मैंने ये बात उसी दिन कही थी कि ये गली में घूमने वाला कुत्ता है, इसे ऐसे पाल पोस कर बड़ा मत करो। लेकिन अगर तेरी जगह किसी और ने ये बात अपने मुंह से बोली होती तो। मास्ती, तू इसका बाप है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ए, ये मेरी है, इस मास्ती की अमानत है ये। कल सुबह सूरज उगने से पहले ही इसके पैरों में पायल, हाथों में चूड़िया और मांग में सिंदूर लगाकर अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। बेटी के पति के पैर धोकर घर में बुलाना, ये आपकी संस्कृति होनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो फिर मंगलसूत्र पहनाते वक्त बीच में आकर दिखाना, वहीं पर एक एक को मार डालूंगा और समाधि बना दूंगा। चाचा, पिताजी, मैं मास्ती से बहुत प्यार करती हूँ पिताजी, प्लीज पिताजी। ये इस घर की बेटी है, इसीलिए ये हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहे। कल ये लड़की मेरे घर में हंसते हुए आनी चाहिए। उसकी बजाय अगर इसके शरीर पर जरा सा भी मार का निशान मुझे दिखाई दिया तो तेरे भाभी के गले में रहने वाला ये जो मंगलसूत्र है ना, वो दीवार पर लटका हुआ दिखेगा। अभी तो ये उसके पास जाएगी, पर वहां से ये दोनों सीधा शमशान जाएंगे। Thank you.
अगर मेरा बच्चा पैदा हो गया होता तो मेरा तेरे प्रति प्यार कम हो जाता, इसीलिए मैंने अब तक शादी नहीं की। अपने माता पिता की आंखों में आंसू देने वाली तुम्हारे जैसी औलाद नहीं देखी। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। चली गई। हमारी जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। उस घटना के बाद मास्ती खामोश हो गया। सब यही सोचते थे कि मास्ती हमेशा के लिए गूंगा हो गया, लेकिन मास्ती माँ की कृपा से वो ठीक हो गया। उसके बाद बेटी मास्ती को लगता है कि भव्या जिंदा है और इसी के भरोसे तो वो अभी तक जी रहा है। हाँ, गांव वाले भी यही कहते हैं। हाँ, कभी कभी उसे तो वो यहीं कहीं आसपास दिखती भी है। हम जंगल वाले सिर्फ दो ही बातों को मानते हैं, एक भगवान को, दूसरा भूत को। अपना मास्ती, ये मास्ती चला कहाँ गया? ए मास्ती, कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे? देखो मेरे साथ कौन आया है। ए मास्ती, अरे तुम यहाँ हो भी या नहीं हो? हाँ, हाँ? बेटी, तुम इस तरह से मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? बेटी, क्या हुआ? अभी क्या हो गया था तुम्हें? कुछ नहीं दादाजी। बेटी, तुम समाधि पर बैठी हो।
उठो उठो, माफी मांगो। सॉरी। हाँ सॉरी। मास्ती यहाँ पर नहीं है तो हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ बेटी, मैं यहाँ पर जल्दी नहीं आता, कोई काम हो तभी आता हूँ। हाँ चलो।